गाइज, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि डिलीवरी से पहले अपने अनचाहे बालों को कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि बालों को हटाने का बहुत सारा तरीका होता है। जैसे कि बात किया जाए तो आप चाहे तो अपने बालों को क्रीम के थ्रू हटा सकती हैं, आप चाहे तो रेजर से हटा सकती हैं, आप चाहे तो बालों को ट्रिम करवा सकती हैं, आप चाहे तो बालों को वैक्स के थ्रू हटवा सकती हैं। इतने सारे पॉपुलर मेथड्स होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। वो कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे जिससे माँ और बच्चा दोनों ही सुरक्षित रहेगा। खासकर इस वीडियो में मैं मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मैंने ऐसे कौन से मेथड से अपने बालों को क्लीन किया जिससे प्रेगनेंसी में मेरी हाइजीन मेंटेन रही, बच्चा सुरक्षित रहा और लास्ट डिलीवरी के समय जितने भी डाउट होते हैं, उस तरह के सारे क्वेश्चंस हैं जो आप किसी से पूछ नहीं पाती हैं, उन सारे क्वेश्चन के जवाब सिंगल एक वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, इसी बात पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। गाइस, बाल को हटाना बिल्कुल सही है क्योंकि इससे आपकी हाइजीन मेंटेन होती है। एक तो डिलीवरी के समय होगी और अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी 1 से 3 महीना या 3 से 6 महीने के बीच में भी अगर आप बालों को हटा रही हैं, ये भी अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि तरीका कौन सा बेस्ट है, अगर बात किया जाए 1 से लेके 3 महीने के बीच में, आप कोशिश कीजिए कि आप रेज़र का इस्तेमाल करें। अगला 3 से 6 महीने जब आता है, इस टाइम में कैसे क्लीन कर सकती हैं? इस टाइम में गाइज, कोई कोई महिला जो होती है उनका पेट बहुत जल्द बाहर आ जाता है 6 महीने के तक, क्योंकि 5वें 6वें महीना से पेट निकलना स्टार्ट होता है। किसी किसी महिला का पेट बाहर ज़्यादा नहीं आया रहता है। अगर आपको लगता है कि आप खुद से रेज़र यूज कर सकती हैं तो कीजिए। अगर आप रेज़र इस्तेमाल करने में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, इस केस में आप क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। मार्केट में बहुत सारे हेयर रिमूवल क्रीम है जो आसानी से आपके हाइजीन को मेंटेन करती है, आसानी से अनचाहे बालों को हटा देती हैं। अब एक बार बात करेंगे 7, 8, 9 यानी कि लास्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं। ये एक ऐसा समय होता है कि आपका पेट इतना ज़्यादा निकला होता है कि आप अपने पैरों को भी नहीं देख पाती हैं। तो इस केस में कैसे आप अपने बालों को क्लीन करोगे? बहुत ही आसान तरीका है। इस टाइम में भी आप क्रीम का ही इस्तेमाल कीजिए। क्रीम का इस्तेमाल करने के कारण क्या होगा, आपकी हाइजीन भी मेंटेन होगी और साथ ही साथ में अगर बात किया जाए कि डिलीवरी के समय, उस समय अगर आप क्लीन कर पाती हैं तो कीजिए। नहीं तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि अचानक से लेबर पेन आ जाता है, अचानक से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इस केस में अगर आप नहीं कर पाती हैं या फिर कोई और रीज़न है आपका क्लीन नहीं करने का, तो डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हॉस्पिटल की जो नर्सेज होती हैं वो सबसे पहले आपके इन बालों को हटाती हैं बहुत आसानी से, जिससे आपको पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले आपके आपकी सुरक्षा देखी जाती है, आपके बच्चे की सुरक्षा देखी जाती है। गाइस, जो भी इसमें मेथड्स बताए गए हैं वो सारे मेथड्स कारगर हैं। मैंने भी मेरी प्रेगनेंसी में सेम चीज़ें की। मेरी कुछ सब्सक्राइबर ने ये चीज़ें भी बताई कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम रेज़र का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कट की डर लगी रहती है। तो आपको कभी भी लगता है कि आपको रेज़र और ट्रिम नहीं करवाना है तो मत करवाइए, आंख बंद कर क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। अगर वैक्सिंग की बात करें तो वैक्सिंग बहुत ही पेनफुल होता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने हाथों पे भी वैक्सिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्किन होता है इस समय काफ़ी सेंसिटिव हुआ रहता है। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। मिलती हूँ गाइज आप सबसे कल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।